गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद रुमलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। और यह आशा करता हूं कि आप सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे तथा हमारे महाविद्यालय द्वारा चलाए गए इस योजना का भरपूर लाभ उठा रहे होंगे, है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में मेरे एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ प्रस्तुत की थी। उस वीडियो में मैंने बताया था प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, है ना। आज अपन बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब प्रवेश करता है। ये सोचने वाली बात है कि युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई हो और उसमें जो अमेरिका जैसे शक्ति प्रवेश न करे, है ना, तो ये अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ, क्या शुरुआत में ही शामिल था और फिर प्रथम विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका रही, मैं आप लोगों को इन सारे विषयों में प्रकाश डालूंगा, है ना। बात करें तो अमेरिका, मैं आपको बता दूं कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हो गई थी, ठीक, लेकिन इस टाइम पे अमेरिका का इस युद्ध में कोई भी रोल नहीं था, अमेरिका ने इस युद्ध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया था। कहानी देखिए कहाँ से शुरू होती है, अमेरिका कब प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करता है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी थी। एक्चुअली में क्या हुआ कि शुरुआत हो गई 1914 में और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका थी प्रथम युद्ध में, विश्व युद्ध में, जिसका नाम था यूरोपीय कंट्री का जर्मनी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जर्मनी जो था, जर्मनी अपने को पूरी तरह से विश्व शक्ति बनाने में लगा हुआ था, है ना, इसलिए एक किसी भी प्रकार के नियमों का पालन नहीं कर रहा था। इसका कहना था कि मैं ही सर्वोपरि हूँ और विश्व शक्ति के रूप में मुझे ही शासन करना चाहिए, है ना। एक्चुअली में हुआ क्या कि जर्मनी ने क्या किया था कि जर्मनी ने अपनी जो जल सैनिक व्यवस्था है, जल सैनिक सेना, उसको बहुत अधिक मजबूत कर लिया था। उस टाइम में जिसके पास जल सेना मजबूत होती थी वही अच्छा शासक या शासन कर सकता था, है ना। तो जर्मनी ने क्या किया था कि अपनी जो जल सैनिक सेना है उसका विकास बहुत अधिक कर लिया था। और इसने क्या किया कि जर्मनी ने घोषणा कर दी कि जो भी पनडुब्बियां ब्रिटेन की हैं, ब्रिटेन की या इटली की जो भी पनडुब्बियां जल मार्ग से गुजरेगी मैं उसको डुबाओ दूंगा। और खुला इसने ओपन चैलेंज किया था सभी देशों को और उन्होंने इसने कहा था कि मैं उन सभी की पनडुब्बियों को डुबा दूंगा, सभी के जहाज़ों को डुबा दूंगा और इसकी जिम्मेवारी उन देशों की स्वयं होगी। तो होता क्या है कि एक बार एक जल जहाज, एक जहाज, है ना, जा रहा था, जर्मनी ने क्या किया, ब्रिटेन का जहाज था, जर्मनी ने क्या किया कि उस जहाज को पनडुब्बियों के माध्यम से डुबो दिया, जिसमें से कि काफी हानि, काफी लोगों की जान चली गई, काफी धन संपदा जो उसके अंदर था वो नष्ट हो गया, है ना। अब देखिए इत्तेफाक से क्या होता है, ये जो पनडुब्बी थी, है ना, जिसमें ब्रिटेन इटली आदि के लोग थे, संयोग से इसमें, इस जहाज में अमेरिका के भी लोग बैठे हुए थे, है ना। देखिए कहानी कहां से स्टार्ट होती है, जबकि जर्मनी को पता नहीं था कि इसमें अमेरिका के लोग बैठे हुए हैं, उसने कहा था कि जो भी जल मार्ग से जहाज जाएंगी मैं उनको डुबा दूंगा, मैं उनको नष्ट कर दूंगा। संयोग से जो एक दिन, है ना, 1915 ईस्वी में एक जहाज जा रहा होता है जिसमें अमेरिका की भी जनता बैठी होती है और जर्मनी उस जहाज को डुबो देता है जिसमें अमेरिका के लोग भी मारे जाते हैं, जब यह बात अमेरिका को पता चलती है तो एक्चुअली में अमेरिका अभी भी युद्ध की घोषणा नहीं किया। अमेरिका ने जर्मनी से कहा कि आपने ये जो कार्य किया है निश्चित रूप से, है ना, गलत है, राष्ट्रहित में नहीं है, इसके लिए आप हमें एक क्षमा पत्र लिख कर दे दो, है ना। यहां ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के लोग मारे गए, उनकी कोई गलती नहीं थी, है ना,
जब ये बात अमेरिका को पता चली, फिर भी अमेरिका ने जर्मनी से सीधे सीधे युद्ध करने के लिए नहीं कहा। उसने कहा कि आप एक क्षमा पत्र में लिख के दे दो, है ना, कि एक हमसे गलती हो गया है तो हम मान लेंगे। लेकिन जर्मनी ने क्या कहा, देखिएगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जर्मनी ने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, आपके आदमी मारे गए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां रही क्षमा पत्र की बात, मैं आपको कोई भी क्षमा पत्र नहीं दूंगा, क्योंकि मैं विश्व शक्ति हूं, है ना, मैं विश्व शक्ति हूं, मैं किसी को क्षमा पत्र नहीं दूंगा। और जो मैंने ये कार्य किया, मैंने जानबूझकर किया, जबकि जानबूझकर नहीं किया था। इससे क्या हुआ कि अमेरिका अत्यधिक नाराज हो गया। और हुआ क्या, देखिए इतिहास में किस तरह से घटनाएं घटती है। कोई घटना अचानक नहीं हो जाती, उसकी एक रूपरेखा तैयार होती है, है ना। अमेरिका ने इससे क्षमा पत्र मांगा था जर्मनी से, जर्मनी ने क्षमा पत्र देने से इनकार कर दिया और खुल मतलब ओपन चैलेंज किया इससे। अमेरिका चूक अहरा गहरा तो था नहीं, कोई मामूली देश तो था नहीं, अमेरिका को इससे बहुत आघात लगा। और सन 1915 ईस्वी में अमेरिका क्या करता है, जो दूसरे गुट थे, दो गुट थे ना, प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों में बटा हुआ था, एक मित्र गुट कहलाए थे और दूसरे धुरी। तो धुरी में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, है ना। और जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र में, मित्र राष्ट्र में 32 देश शामिल थे, आपको बता दें। तो अमेरिका, चूंकि जर्मनी ने अमेरिका का विरोध किया, है ना, क्षमा पत्र नहीं दिया, तो अमेरिका ने क्या किया, किधर से लड़ा, युद्ध में कूद पड़ा मित्र राष्ट्रों की ओर से, और यहीं से युद्ध का पूरा पासा पलट जाता है। शुरू में जर्मनी समस्त देशों को हिलाकर रखा हुआ था, समस्त देशों को ऐसा लग रहा था कि जर्मनी इस युद्ध में विजयी हो जाएगा। लेकिन 1915 की घटना पनडुब्बी की घटी, और अमेरिका का मित्र राष्ट्रों के साथ सम्मिलित होना जर्मनी के लिए सबसे बड़ी भयंकर भूल साबित हुई, और यहीं से युद्ध पलट गया, है ना। प्रश्न यह बनता है, तो यहाँ लोग जब प्रथम विश्व युद्ध की बात होती है तो लोग सोचते रहे कि अमेरिका शुरू से था, अमेरिका का कोई रोल नहीं था। यदि ये घटना शायद ना घटती और यदि जर्मनी क्षमा पत्र अमेरिका को दे देता, तो शायद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में नहीं आता, और शायद आज जर्मनी विश्व शक्ति के रूप में पूरे विश्व में होता। लेकिन इतिहास को तो कुछ और ही गवारा था। कल मैंने जब वीडियो में बात कर रहा था आप लोगों से प्रथम विश्व युद्ध में, है ना, प्रथम विश्व युद्ध में मैंने आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध में भारत की क्या भूमिका थी, है ना, भारत किधर से था, भारत ने क्या इस लड़ाई में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लिया था। चूंकि मैंने जैसा कि बताया कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चलता रहा, ध्यान दीजिएगा 1914 में स्टार्ट हुआ था। आप याद करिए कि भारत 1914 में क्या था, गुलाम था, किसका, ब्रिटेन का, है ना, अपने यहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, इसलिए भारत ब्रिटेन का क्या कहला गया, उपनिवेश, अर्थात भारत के राजनैतिक और आर्थिक संप्रभुत्व पर किसका अधिकार था, ब्रिटेन का। तो चूंकि ब्रिटेन किसके तरफ से थे, ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों की तरफ से थे, अर्थात अमेरिका, ब्रिटेन, है ना, रूस, फ्रांस, ये एक साथ में थे, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ये एक साथ में थे, अर्थात चूंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, है ना, ब्रिटेन का गुलाम था, और ब्रिटेन किसके तरफ से लड़े थे, मित्र राष्ट्रों की तरफ, अर्थात भारत का जो रोल था एक गुलाम, एक उपनिवेश के रूप में था, अर्थात भारत
किसके तरफ से लड़ाई लड़ा था? मित्र राष्ट्रों की तरफ से। चूंकि भारत की जो सैनिक शक्ति थी काफी मजबूत थी, है ना, अर्थात भारत ने काफी हेल्प की, काफी मदद की है ब्रिटेन की इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में, है ना, प्रथम विश्व युद्ध में, चूंकि अपने यहाँ की जो सेना थी काफी स्ट्रांग थी, है ना, तो इन लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो भारत की भूमिका क्या किधर से रही? प्रथम विश्व युद्ध में भारत की भूमिका मित्र राष्ट्रों की तरफ से थी, चूंकि भारत उस टाइम पे ब्रिटेन का उपनिवेश था, ब्रिटेन का गुलाम था, है ना। अब बात यह उठती है कि अंत में क्या हुआ होगा, क्या जर्मनी विश्व शक्ति बन गया? नहीं, अंत में मैंने जैसा कि बताया कि जैसे ही 1915 में अमेरिका मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में प्रवेश करता है, युद्ध का पांसा पलट जाता है और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह पराजय हो जाती है, जर्मनी की बुरी तरह पराजय हो जाती है और जीत किसकी होती है? मित्र राष्ट्रों की, अर्थात अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, इन देशों, है ना। सोचिए कि ये जो भयंकर युद्ध हुआ था इसके परिणाम क्या रहे होंगे, इसके परिणाम के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा। आज जो मैंने बात की आप लोगों दो टॉपिक में, भारत प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश किस तरह से प्रवेश करता है और क्या रोल रहता है और भारत का इसमें क्या योगदान रहता है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना। घर में रहें, सुरक्षित रहें, बेस्ट आप।